नहीं मानता। आप डरिए मत, ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में एक इंच भी वापस नहीं आने वाला। अमित शाह कहते हैं कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। अमित शाह साहब, अगर आप एक इंच पीछे नहीं हटेंगे तो इस बार हम आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो कहते हैं घर के मर्द ने कहा कि भाई हम इतने अक्षम हो चुके हैं कि कुछ कर सके, इसलिए तुम ही जाकर के धरने में बैठ जाओ। योगी जी कह रहे हैं कि खवातीन को उतार दिया गया है, औरतों को चौराहे बैठा दिया गया है। सवाल सुधारिए। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। CAA NRC NPR को लेकर काफी गहमा गहमी है। ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी जो एक शायर हैं, उन्होंने सरकार के इस काले कानून का विरोध अपनी शायराना अंदाज में देश के सभी हिस्सों में जाकर लोगों की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिला रहे हैं, NRC का विरोध किया है। हम आपको उन झलकियों को दिखा रहे हैं, अब तक कई जगहों पर जाकर अपनी आवाज़ बुलंद किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं नहीं मानता ए हुकूमत तेरी साजिशें हर तरफ, हम मिटे बस यही ख्वाहिशें हर तरफ। पहले पानी बरसता था पर आजकल खून ही खून की बारिशें हर तरफ, खून ही खून की बारिशें हर तरफ। हम तलाशों का मातम मनाते रहे, तुम सियासी बिसाते बिछाते रहे, खून के कत्ल गारत के बाजार को हमसे बस सब्र ही के तलबगार को। मैं नहीं मानता। तुम बोझ समझ बैठे हो मुझे, मैं गांधी जी का सपना हूँ। तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूँ। तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूँ। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मेरा रंग निकालो झंडे से। मेरी माँ की दुआ ये झंडा है, मेरे बाप की भी पहचान है ये। तुम्हें सिर्फ तिरंगा लगता है, अरे पूरा हिंदुस्तान है ये। और तुम कहते हो कि हम तुम्हें कागज दिखाएं, नहीं दिखाएंगे हम कागज, नहीं दिखाएंगे। हम इनकार करते हैं आपके इस काले कानून से, आपकी इस बात से कि जब कोई कागज तय करेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। दरअसल आपके पास इस देश में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ नहीं है। देश आपसे बेटियों के बलात्कार पर कानून मांग रहा था तो आपने CA थमा दिया। देश आपसे कह रहा था कि प्याज के रेट कम करो तो आपने कहा कि NRC ले लो। मुझे बताए रायपुर कि जब 1 जनवरी लगती है तो गैस सिलेंडर 21 रुपए महंगा हो जाता है, तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए महंगा होता है? उस जज्बे की बुनियाद पर मैं एक आध छोटी सी नज़्म सुना देता हूँ, क्योंकि सुनाना भी जरूरी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। कहते मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, मेरी सांसों में चलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। सिर्फ मसले नहीं
मजहब दीन के तुम तो कातिल हो भारत के आईन के, तुझसे जम्हूरियत के गुनहगार को तेरी सरकार को तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। हिटलर को भी बहुत गुरूर था, हिटलर की भी मुट्ठी में पूरा पूरा उसका अपना मुल्क था, बौद्धिक लोग मारे जा रहे थे, लेकिन एक सुबह ऐसी भी आई जब दुनिया ने देखा कि हिटलर अपने कमरे में खुदकुशी करके मरा हुआ पड़ा था। इस मुल्क के तानाशाहों का भी अंजाम वही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। इस बार हम करेंगे नहीं, तुम्हारे पास गोली है, बारूद है, आंसू गैस के गोले हैं, तुम्हारे पास डंडा है, तुम्हारे पास एक काला कानून है, तो नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, हमारे पास तिरंगा है, हमारे पास हौसला है, जुनून है, फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। अरे इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मत समझो के डर जाएंगे, तुम गोली तो चलाओगे, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। मैं यहां खड़ा होकर के जिस तरह गांधी जी ने कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, बहुत अनुरोध के साथ मना कर दिया था, मैं उसी तरह सिवान में खड़ा होकर के हजारों हजार की भीड़ में मैं इमरान प्रताप गरीब पूरे होशो हवास में सरकार से कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी कर ले, एनआरसी में दिखाने के लिए मेरे पास सारे कागजात मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जिस दिन आप एनआरसी लागू करेंगे और हमसे कागज मांगने आएंगे, हम आपको इनकार कर देंगे, हम कोई कागज नहीं देंगे, आपका मन करे जिस डिटेंशन सेंटर में भेजना हो भेज दीजिए, लेकिन हम कागज नहीं दिखाएंगे। आप हमें डिटेंशन सेंटर में भेजोगे, हम वहां एक और खूबसूरत हिंदुस्तान बनाएंगे, क्योंकि हमारा काम यही है, हमारे पुरखों ने यही किया है। जिस मिट्टी में हमारे पुरखों का लहू शामिल है, वो मिट्टी गवाही है हमारे नागरिक होने की। आप किसानों से कहते हो कि नागरिकता का प्रमाण पत्र दो, जिस देश में झारखंड में संतोषी को राशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था और वो भाग भाग कहते हुए मर गई, उस देश में नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि लाओ कागज दो तब तुम्हें नागरिक मानेंगे। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि कितनी बेहिस सरकार है। मैं तो नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, आखिर कब तक सबूत मांगते रहिएगा। जिन किसानों ने अपने पसीने से इस देश की मिट्टी को सींच करके अनाज उगाया, तब तुम्हारे अंबानी और अडानी के गोदाम भरते हैं, उस किसान से कहते हो कि लाओ नागरिकता का प्रमाण पत्र दो। जिन आदिवासियों ने अपने तीर और धनुष लेकर के जंगलों की हिफाजत करके खूबसूरत पेड़ उगाए, खूबसूरत पेड़ों की रखवाली की, अब तुम उनसे कहते हो कि लाओ कागज दो। कहां से लाएंगे वो कागज, कहां से लाएगा इस देश का दलित जिसके पास ना तो जमीन है ना तो घर है, बेचारा किसी तरह अपनी जिंदगियां गुजार रहा है, उससे आप कहते हो लाओ कागज दो, कहां से लाएगा वो कागज। और तो और, इस देश में मैं तो इलाहाबाद रहता हूं, वहां कुंभ लगता है, हजारों हजार नागा साधु आते हैं, वो बेचारे कहां से लाएंगे प्रमाण पत्र, कहां से लाएंगे। रहा मसला हमारा, हमारे पास तो पिछले 70 साल में हम पे इतने जुल्म हुए हैं कि हमने तो थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी है। मैं आज आपको शायरी सुनाने नहीं आया हूं मेरे भाई, मैं आपसे यह कहने आया हूं कि मैंने सिर्फ लफ्जों में, मैंने सिर्फ अशार में एनआरसी और सीए की मुखालफत नहीं करी है, पिछले 45 दिनों से अपने माथे पर बांध करके लिख करके घूम रहा हूं कि हम तुम्हारी एनआरसी को नहीं मानते, हम तुम्हारी सीए को नहीं मानते हैं। आखिरी शख्स के तौर पर आपके बीच खड़ा हूं, 20-25 मिनट का वक्त है, आधे घंटे का वक्त है मेरे पास, मैं 10 मिनट का वक्त लूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि 45 दिन से नारे लगाते लगाते आवाज जो है वो बिल्कुल इस मुल्क की हालत जैसी हो गई है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं कि जुल्मतों पर
चराग भारी है। जो पिछले 45 दिन की मेरी हिम्मत है उसके लिए मुझे मैं आपका साथ चाहिए। मैंने नहीं पढ़ा कोई मुशायरा, मैं नहीं गया किसी जलसे में, मैं खड़ा हुआ था माओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, मैं खड़ा हुआ था जामिया के बच्चों के साथ। मैं जानता था कि मेरा फर्ज है कि मैं इस वक्त उनके साथ खड़ा नजर आऊं। मैं पढ़ता हूं, मैंने कुवैत का मुशायरा छोड़ा, मैंने हिंदुस्तान के मुशायरे छोड़े। मैंने कहा कि इमरान की जरूरत इस वक्त हिंदुस्तान की सड़कों को है, मुशायरों को नहीं है। मैंने वो काम किया है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं कि जुल्मतों पर चराग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है, मोदी जी आपकी हुकूमत पर। अगर सच्चा मिसरा हो तो हाथ उठे आपका। मोदी जी आपकी हुकूमत पर एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन बाग भारी है। मुमरा वालों, फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मत समझो के डर जाएंगे। तुम आंसू गैस चलाओगे, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे पर कागज नहीं दिखाएंगे। जब से लोकसभा में CAA NRC NPR का मुद्दा अमित शाह ने उठाया है, तब से लेकर अब तक इमरान प्रताप गढ़ी ने मुशायरे की बजाय मुजाहरा किया है, NRC पे लोगों की आवाज़ को साथ अपनी आवाज़ मिलाया है। चाहे मुंबई हो या दिल्ली या फिर छत्तीसगढ़, लखनऊ, तमाम स्टेट में जाकर काले कानून का प्रोटेस्ट किया है, विरोध किया है। और मुमरा के मुजाहरे में अपनी अंदाज में कहा, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, अगर आधार कार्ड देखना है तो वो आगरा का ताजमहल देख लें, उन्हें आधार कार्ड मिल जाएगा। आपको पैन कार्ड देखना है तो देखें कुतुब मीनार, वहाँ आपको पैन कार्ड मिल जाएगा। आधार कार्ड मांगेंगे, पैन कार्ड मांगेंगे। मैं तो ऐलान उनकी छाती पे खड़े होकर दिल्ली में कह रहा हूँ कि अगर आपको हमारा आधार कार्ड चाहिए तो जाइए आगरा, देखिए ताजमहल, वो है हमारा आधार कार्ड। आपको हमारा पैन कार्ड देखना है तो जहां आप रहते हैं वहां से 2.5 किलोमीटर दूर खड़ा है कुतुब मीनार, वो है हमारा पैन कार्ड। अगर आपको जानना है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जाइए लाल किला खड़ा है, वो है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। और अगले मिसरे पे, अगली बात पे आपकी तालियां बजेंगी। वो कहते हैं कि बर्थ प्लेस बताओ, कहां पैदा हुए थे ये बताओ। नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, जहां आप रहते हैं वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अब भी मौजूद हैं जामा मस्जिद की सीढ़ियां, वो है हमारा बर्थ प्लेस, वो है हमारा बर्थ प्लेस, जाइए वहां देख लीजिए। इस बार हम डरेंगे नहीं, हम डरने के इरादे से नहीं है मैदान में। हमारी माएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं 2.5 डिग्री टेम्परेचर में, 3 डिग्री टेम्परेचर में। 90 साल की अस्मा खातून शाहीन बाग में मैं खड़ा रहा हूं उनके साथ कई कई बार। और बीजेपी सरकार, कानून मंत्री बार बार कह रही है NRC पे अभी कुछ विचार नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ अमित शाह 1 इंच भी पीछे नहीं हटने की बात करते हैं, और तीसरी तरफ ये भी कहते हैं नागरिकता देना है, ये बिल नागरिकता देने का बिल है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को भरोसा ही नहीं है। आप डरिए मत, ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी CAA में 1 इंच भी वापस नहीं आने वाला। अमित शाह कहते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अमित शाह साहब, अगर आप 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे तो इस बार हम आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे। हम हटने के मूड से मैदान में नहीं है इस बार, क्योंकि ये लड़ाई आईन को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। और जब संविधान को बचाने की बात है, वजूद को बचाने की बात है, तो इस बार हम किसी भी हद से गुजरने को तैयार,
आप चलाइए हम पे गोलियां, हमारे सीने हाजिर हैं, हमको मालूम है चलती बंदूक के हम निशाने पे हैं। और मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा नरेंद्र मोदी साहब का और अमित शाह साहब का, बड़ी जिम्मेदारी से मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वो समाज जो बटा हुआ था, वो समाज जो मसलकों में उलझा हुआ था, वो समाज जो आपस में लड़ रहा था, उसे एक करके आपने अपने खिलाफ खड़ा कर दिया है। इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहली बार आपने बेदारी जो मैं इस समाज में देख रहा हूं, मैं उसके लिए समाज को सलाम करूंगा जिसने छोड़ दिया सब कुछ आपस की लड़ाइयां और अपने हाथों में झंडा उठा के निकल आया। आप फर्क महसूस करिएगा कि संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए जो निकले हैं उनके हाथों में लहराते हुए तिरंगे हैं, लेकिन संविधान को बर्बाद करने के लिए जो लोग इस कानून की हिमायत में सड़क पर निकले हैं उनके पास भाजपा का झंडा है। और चौथी तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं आजादी का नारा लगाने वाले देशद्रोही माना जाएगा। तो कहते हैं घर के मर्द ने कहा कि भाई हम इतने अक्षम हो चुके हैं कि कुछ कर सके, इसलिए तुम ही जाकर के धरने में बैठ जाओ। भारत की धरती पर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं इस बात को कहूंगा, धरना प्रदर्शन के नाम पर कश्मीर में जो नारे कभी आजादी के लगते थे, अगर इस प्रकार के नारे लगाने का कार्य करोगे ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। योगी जी कह रहे हैं कि खवातीन को उतार दिया गया है, औरतों को चौराहे चौराहे बैठा दिया गया है। अरे योगी जी, आपने घंटा घर की उन महिलाओं के वीडियो नहीं देखे हैं जो अपनी पीठ पर, अपने पेट पर अपने बच्चों को बांध करके इंकलाब का नारा लगा रही हैं? मैं उन्हें देख रहा हूं तो मुझे रानी लक्ष्मीबाई नजर आ रही हैं, मुझे ज्योतिबा फुले नजर आ रही हैं, मुझे बेगम हजरत महल नजर आ रही हैं। अपनी जबान सुधारिए। इस सब के बीच महिलाएं दिल्ली के शाहीन बाग में डटी हुई हैं और यही वजह है कि शाहीन बाग अब एक नहीं बल्कि हर जगह अब शाहीन बाग बन गया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।